हेलो फ्रेंड्स, द किलबिल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारा बातें चल रही हैं अक्षय कुमार को बॉयकॉट करने का, अक्षय कुमार की मूवीज़ को बॉयकॉट करने का। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ जब तक आप निर्दोष हैं, जब तक कोर्ट आपको दोषी ना मान ले, तो ये मैं दूसरे के बहकावे पर नहीं आऊँगा कि जो सुशांत सिंह का मर्डर केस है या सुसाइड केस है उसमें अक्षय कुमार का नाम उछाला जा रहा है। तो ये कोर्ट का फैसला है दोस्तों, कोर्ट डिसाइड करेगी, सीबीआई डिसाइड करेगी कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है गिल्टी। तो बिना सोचे समझे सिर्फ रीमर्स के बल पे मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो इसीलिए एज ए रिव्यूअर मेरा काम है मूवी का रिव्यू देना, न कि किसी का पर्सनल लाइफ में जाके देखना क्या हो रहा है। और जब तक कोर्ट ने ये माना ही नहीं है कि वो दोषी हैं, तो मैं क्यों उनका बॉयकॉट करूं। तो ठीक है दोस्तों, आइए आज डिस्नी हॉटस्टार पे लक्ष्मी बॉम्ब का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसमें हम अक्षय कुमार के अलावा कियारा एडवानी को देख पाएंगे। इसका डायरेक्शन राघव लॉरेंस ने किया है, जिन्होंने इसका ओरिजिनल जो तमिल मूवी था कंचना उसका डायरेक्शन और एक्टिंग इसमें उन्होंने किया था। इसका लेखन फराज हमजी ने किया है। और इसमें दोस्तों हम ट्रेलर देखते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना, तो मां कसम चूड़िया पहन लूंगा चूड़िया। अरे रत्ना, देखना जरा कौन है। अरे मैं आपसे मिलने आया था, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन हो भाई? अरे ये बाहर के लोग नहीं है, ये मेरी फैमिली है। आप शराब कब से पी रही हैं? बचपन से। जिगर दा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा, तनु बुर्ज खलीफा, ओ तनु बुर्ज खलीफा, तनु बुर्ज खलीफा, ओ तनु। कल रात मैंने एक काली परछाई देखी। इस बीमारी को सियोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ शैडो, यानी परछाई से डरना। सबसे बड़ा भूत तो यही है वो परछाई। आसिफ, वो मेरे पिताजी है, हम यहाँ पे उनको इम्प्रेस करने आए हैं, भूत भगाने नहीं आए हैं। तो डराते क्यों है सबको? वो प्रेत आत्मा खतरनाक और बहुत शक्तिशाली है। बताना कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ ना? आई लव यू। छोड़ मुझे, हाथ क्यों लगाता है? शर्म नहीं आती फिर की कहीं का? जिस दिन मेरे सामने भूत आया ना, तो माँ कसम चूड़िया पहन लूंगा चूड़िया। विश्वास नहीं था ना तुम्हें मेरी बातों पर? देख लो अपने पति की हरकतें। बहुत बोलने लगे हो तुम लोग। इसने चूड़ी क्यों पहनी, हल्दी क्यों लगाई, साड़ी क्यों पहनी? तू ही बता बुढ़िया, अगर तेरे को कोई ऐसा हाथ लगाएगा तो तू उसको क्या करेगी? हाँ, मारेगी कि नहीं उसको? नहीं। हाँ मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी। मैं इस एरिया की क्वीन हूँ, क्वीन हूँ, लिव लाइफ क्वीन साइज। मैं यहाँ बहुत जरूरी काम करने आई हूँ। क्या रे, तारे दिख रहे हैं? मुंह टेढ़ा हो गया है। ए अश्विनी, तेरा पति है ना हरामी, टेढ़ा है पर तेरा है। बरसने आ रही है लक्ष्मी। तो
तो देखा दोस्तों ट्रेलर आपने, काफी मजेदार थी, भर भर के फन एलिमेंट घुसा हुआ है उसमें। अक्षय कुमार पूरा छाए हुए हैं हर जगह, पूरा टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जो आसिफ का कैरेक्टर था, ये लक्ष्मी बाप का कैरेक्टर था, उन्हें काफी अच्छा पकड़ा। ये पूरा लग रही है हॉरर कॉमेडी फैमिली ड्रामा, पूरा एंटरटेनमेंट भरपूर होने वाली है। दिवाली जबरदस्त जाने वाली है, हमको एक दिवाली में बहुत अच्छा मूवी मिलने वाली है देखने के लिए घर में फैमिली मेंबर्स के साथ, और लग रही है धमाका करने वाली है। और कियारा एडवानी भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और एक जो बुर्ज खलीफा का सॉन्ग था वो लग रहा है ये बहुत हिट होने वाली है सॉन्ग। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी देखिए, वो ड्रम्स वगैरह बहुत अच्छा था, और काफ़ी घूम घूम के आप बोल सकते हैं जो हॉरर कॉमेडी है, ऐसी जो पंचेस रहते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी होता है काफ़ी है इसमें लग रहा है। फराद सामजी ने होपफुली अच्छा से लिखा हो इसमें, और कोई डल मोमेंट ना देखने मिले हमें। अच्छा था ट्रेलर तो दोस्तों, बहुत मजा आया देखने हुए से। जो जो छोटा मोटा एक दूसरे पे जो पंच पे पंच था बहुत ही अच्छा था। मुझे लग रहा है सीन जो भी अक्षय कुमार और राजेश शर्मा के बीच होगा वो काफ़ी मजेदार होंगी। एक और देखने को मिला दोस्तों हमको ट्रेलर में, कि ज़्यादातर अब कैरेक्टर्स कियारा एडवानी, अक्षय कुमार और उनके घर वालों को ही दिखाया गया है। और कुछ कुछ जो सीन्स जब अक्षय कुमार लक्ष्मी बॉम्ब बन जाते हैं, ऐसा लग रहा कोई ट्रांसजेंडर है, कोई एक यूनक का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं शायद उसमें, उसका वो भूत है। तो वो देखने वाली बात होगी कि वो कैसे निभाते हैं और एक्चुअली क्या उसका स्टोरी है, वो जो लक्ष्मी बॉम्ब है एक्चुअली वो क्या है, उसका क्या स्टोरी है। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ रिवेंज लेना चाहते हैं किसी से, वो देखने वाली बात होगी। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मैंने देखा इसमें, शरद केलकर भी हैं, कहीं मैंने पढ़ा तुषार कपूर भी हैं, तो उनका क्या कैरेक्टर रहेगा, उनका क्या रोल रहेगा प्ले ये में, वो देखने वाली बात होगी जब ये मूवी रिलीज होगी 9th of November को दिवाली के टाइम। तो होपफुली दोस्तों ये मूवी अच्छा रहे, ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी रहे, मैं यही होप करता हूँ। और ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा था दोस्तों, होप आपको भी ये बहुत पसंद आए। आपको जो भी अगर ट्रेलर कैसा लगा, क्या कमेंट था, ये रिव्यू कैसा रहा, रिएक्शन कैसा रहा, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।